बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के शामी कबाब। तो आप लोग इंग्रेडिएंट पहले नोट कर लें। सबसे पहले मैंने चने की दाल को अच्छी तरीके से वॉश करके पानी में डिप कर दिया और उसी के साथ मैंने चिकन डाल दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2-3 लौंगे, साबुत काली मिर्च और पानी उसमें डाल दिया है मैंने। हाफ प्याज इसके अंदर मैंने कट करके डाल दी थी और मैंने अब इसको पकने के लिए रख दिया है। चिकन मैंने बोनलेस नहीं ली, मैंने हड्डियों वाली भी ली है। जैसे ये चिकन बॉयल हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसके रशेस कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे हड्डियों से। तो देखें, जैसे ही बॉयल आया और चिकन भी गल गई और दाल भी गल गई तो मैंने इसमें डाल दिए हैं स्पाइसेस, कुटी हुई मिर्च और नमक डाला है अभी। और जब इसका पानी खुश्क होने लगेगा तब मैं इसमें डालूँगी गर्म मसाला। तो देखें, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है तो बस मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। पहले से आपने ऐड नहीं करना गरम मसाला, वरना आपका मसाला जो है वो काफ़ी डार्क ब्राउन हो जाएगा। इसलिए मैंने भी लास्ट में डाला है गरम मसाला, आप लोग भी लास्ट में डालिएगा और इसका फिर पानी तेज़ आंच करके ड्राई कर लिएगा जल्दी जल्दी। देखें, हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो बस मैंने चिकन के रशेस कर लिए हैं और दाल में इसको मिक्स कर दिया है। अब मैंने 4 हरी मिर्चें जो हैं वो चॉप कर लिए हैं बारीक बारीक और धनिया और पुदीना मैंने चॉप कर लिया है। 1 अंडा लिया है और वही सारा बैटर है जिसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो इसके अंदर हमने हरी मिर्चें और हरा धनिया, पुदीना और अंडा ऐड करना है और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देखें, हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं हाथों की मदद से। देखिए, हमारा बैटर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो बस अब हम हाथों में लगाएंगे ऑयल और इसके बनाते हैं यानी कि कबाब। जैसे जैसे मैं कबाब बनाने के लिए स्टेप कर रही हूँ वैसे वैसे ही आपने फॉलो करना है, तो आपके कबाब टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप लोगों ने ऐसी तरीके से बनाना है। देखें, अब हमारे सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। आप लोग इसको बना के आराम से फ्रीज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसमें नमक डाला है, काली पिसी हुई मिर्च डाली है और अब इसको अच्छे तरीके से मैं बीट करूँगी। मुझे सारे कबाब फ्राई करने थे तो इसलिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। आप लोग अगर 1-2 करना चाहें तो आप लोग सिर्फ 1 ही अंडा फिर बीट करिएगा, ठीक है। अब मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। मैंने कबाब डाल दिया है ऑयल में, अब मैं ऐसे 1-1 करके सारे डाल दूँगी। दूर दूर करके डालिएगा। देखिए, हमारे नीचे से ब्राउन हो गए ना लाइट, तो बस मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। जैसे जैसे ये ब्राउन होते जाएंगे हम इसको दूर दूर करते जाएंगे, फिर और इसमें ऐड कर देंगे कबाब। देखिए, हमारे कबाब कितने अच्छे तरीके से ब्राउन हो रहे हैं। अब हम इसके दोबारा साइड चेंज कर देंगे। देखिए, हम इसके अब दोबारा साइड चेंज करके और अच्छे तरीके से 1 दफ़ा फिर से नीचे से फ्राई करके बस अब हम इसको प्लेटर में निकाल लेंगे। तो देखिए, बस मैंने डिश आउट कर दिया है। तो हमारे कबाब जो है बिल्कुल रेडी हो गए।
इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ या किसी भी चटनी के साथ घर की या रायते के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसे बने ये कबाब। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप लोग मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं आपसे फिर एक रेसिपी के साथ, तब तक लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।